मेरी माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आदर के बुजुर्गों एवं प्यार करने योग्य बच्चों, हमारा ये प्रोग्राम त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो लीजिए सुनिए, बात उस समय की है, इधर तो राम का वनवास और दशरथ का मरण हो गया, उधर भरत जी ननहाल से लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि सारा नगर शोक समुद्र में डूबा हुआ है, महलों में महातम सा छाया हुआ है। तब तो माँ कैकेयी के भवन में पहुंची और कहने लगे, मैया क्या बात है, क्या बात है, आज महलों में इतनी उदासी क्यों है। तब तो कहने लगी, क्या तो यह सुन बोली के कई पूछ रहे क्या तात, यहाँ तो सभी प्रकार से मैंने बना ली बात। और बोली, जो काम बिगड़ने वाला था वह काम बना ली ना मैंने, जो काम बिगड़ने वाला था वह काम बना ली ना मैंने, यह अपना महल सदा को ही सुख धाम बना ली ना मैंने। कहने लगी, बेटा जो काम बिगड़ने वाला था वह तो मैंने दासी मंत्रा के सहयोग से पूरा कर लिया, परंतु एक अनर्थ हो गया। कैसा? मंत्रा दासी के आने से यह कार्य सफल कर लीना है, महलों में अनरथ आज हुआ दुख ये कुविधाता दीना है। कई कहने लगी कि बेटा मैंने बिगड़ती हुई बात तो बना ली, परंतु एक अनर्थ हो गया। वो क्या माँ? कैसा अनर्थ? कहने लगी कि तुम्हारे पिता सुरलोक से धार गए। जब भरत जी ने पिता के मरने का कारण पूछा तो बताने लगी कि मैंने उनसे तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम को वनवास मांगा था, सो राम लक्ष्मण और सीता तो वन को चले गए और उनके बिरह में महाराज दशरथ का मरण हो गया। इतनी सुनकर भरत जी की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे, अरे पापनी तूने ये क्या किया। और कहते हैं, और मैया बैरन बन गई आज, और जननी बैरन बन गई आज, मोसे कब को बैर निकारो, मैया बैरन बन गई आज, मोसे कब को बैर निकारो। और कब को बैर निकारो, तेन कब को बैर निकारो, मुझसे कब को बैर निकारो, तेन कब को बैर निकारो, मैया बैरन बन गई आज, मुझसे कब को बैर निकारो। मोए जनमत क्यों नहीं मारो, गंगा में क्यों नहीं डारो मैया, मोए जनमत क्यों नहीं मारो, गंगा में क्यों नहीं डारो, तो कौन है कन्हैया इलाज, मोसे कब को बैर निकारो, मैया बैरन बन गई आज, मोसे कब को बैर निकारो।
बंदो भरत जी कहने लगे, मैया ऐसा बर मांगते समय तुझे पीरा नहीं हुई? और कहते हैं क्या, बर मांगत भई नहीं पीरा, तेरे मुख में परे नकीरा बर। बर मांगत भई नहीं पीरा, तेरे मुख में परे नकीरा। सुरपुर पहुँचाए दे महाराज, मोसे कब को बेर निकारो। मैया बेरन बन गई आज, मोसे कब को बेर निकारो। तो बन गई नागिन काली, जड़ काट सी चिरई डाली। तू तो भरत जी कहते हैं, अरे ओ पापनी मैया, तू जड़ को काट करके वृक्ष को हरा देखना चाहती है? ऐसा हरगिज नहीं होगा। तू तो बन गई नागिन काली, जड़ काट सी चिरई डाली। मेरे सिर पे बांध रही ताज, मोसे कब को बेर निकारो। मैया बेरन बन गई आज, मोसे कब को बेर निकारो। मेरे बंधु भरत जी कौशल्या के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। कहने लगे, मैया मैं बिना राम और लक्ष्मण के जीवित नहीं रहूंगा, तुम मुझे पिता के दर्शन करा दो। राम और लक्ष्मण कहाँ हैं उन्हें बता दो। तब तो कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया। उस समय गुरुदेव और नगर निवासी भरत की सराहना करने लगे। गुरुदेव कहने लगे, बेटा पिता का दाह संस्कार करके प्रजा का पालन करो, होनी किसी के बस में नहीं है। तब तो भरत जी कहने लगे, गुरुदेव मैं कैसे राज्य पर बैठूं और ये राज्य कैसे करूं बिना भैया के? और कहते हैं क्या, और कैसे परम पद पाऊं दरस बिन, और कैसे परम पद पाऊं दरस बिन हर के अबदपुर में। कैसे परम पद पाऊं दरस बिन हर के अबदपुर में। भरत जी कहने लगे, गुरुदेव इतना सब कुछ होने पर भी तुम मुझसे कह रहे हो किस पद पर बैठ जाओ? पिता मेरे सुरलोक सिधारे, राम फिरे बन मारे मारे, राम फिरे बन मारे मारे। कैसे मैं ताज बंधाऊं दरस बिन हर के अबदपुर में। कैसे परम पद पाऊं दरस बिन हर के अबदपुर में। और बोले, अखियां हर दर्शन की प्यासी, अखियां हर दर्शन की प्यासी, सुन लो मेरे अबदपुर वासी। कैसे मैं राज चलाऊं दरस बिन हर के अबदपुर में। कैसे परम पद पाऊं दरस बिन हर के अबदपुर में।
बंदो। भरत जी कहने लगे, गुरुदेव मैया केकई को राज्य का बहुत लोभ है, सो तुम केकई को यहाँ का राजा बना दो और मंथरा दासी मंत्री बनकर कार्य संभाल लेगी। और बोले, केकई माँ को बना दो राजा, केकई माँ को बना दो राजा, मंत्रा दासी समारे काजा। मैं तो टरक बन जाऊं दरस बिन हर के अबधपुर में, कैसे परम पद पाऊं दरस बिन हर के अबधपुर में। दोस्तों, भरत जी ने इनकार कर दिया, मैं राज्य नहीं कर सकता। भरत जी ने पिता का दाह संस्कार करके राम से मिलने के लिए बन जाने की तैयारियां कर ली। और क्या हुआ, और त्यार भरत भय चलने को, अरे त्यार भरत भय चलने को, राम लखन से मिलने को, त्यार भरत भय चलने को, राम लखन से मिलने को। राम मिलन की जानी है अब छोड़ चले रज धानी है, त्यार भरत भय चलने को, राम लखन से मिलने को, त्यार भरत भय चलने को, राम लखन से मिलने को। और अवध नगर के मगन हुए नर नार, भरत लाल के संग हुए तैयार। और अवध नगर के मगन हुए नर नार, भरत लाल के संग हुए तैयार। रट राम हरि ना देर करी, रट राम हरि ना देर करी, और सुन के भरत की बानी है अब छोड़ चले रज धानी है, त्यार भरत भय चलने को, राम लखन से मिलने को, त्यार भरत भय चलने को, राम लखन से मिलने को। बंदो, भरत जी पुरवासियों के साथ बन जाने की तैयारी कर रहे हैं और सभी पुरवासी अपनी अपनी सवारियां सजा रहे हैं। कैसे, और गज घोड़ा रथ सजवाए तत्काल, उन पर झूले दई रेशमी डाल। और गज घोड़ा रथ सजवाए तत्काल, उन पर झूले दई रेशमी डाल। बन को धाए मन हर साए,
बन को धाए मन हरसाए, माँ कौशल्या हरसानी है अब छोड़ चले रज धानी है। प्यार भरत वह चलने को राम लखन से मिलने को, प्यार भरत वह चलने को राम लखन से मिलने को। बंधु भरत जी के साथ पूर्वा श्री राम नाम की ध्वजा लेकर वन को चल देते हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई उनके साथ में जा रहे हैं। राम नाम की ध्वजा समारी हाथ, पूर्वासिन के संग चले दो भ्रात। और राम नाम की ध्वजा समारी हाथ, पूर्वासिन के संग चले दो ब्रा। तपती है धरन रास्ता है कठिन, तपती है धरन रास्ता है कठिन, नहीं संख्या दिल में मानिए अब छोड़ चले रज धानिए। प्यार भरत वह चलने को राम लखन से मिलने को, प्यार भरत वह चलने को राम लखन से मिलने को। बंधु जब भरत और शत्रुघ्न पैदल चल रहे हैं तो उनकी यह दशा देखकर पूर्वासी भी पैदल चलने लगे। तब तो माँ कौशल्या फूलों पर चरण रखने वाले पुत्रों को कांटों पर चलते हुए देखकर कहने लगी, क्या श्री भरत को बुला के, श्री भरत को बुला के कौशल्या मुस्कुरा के कहने लगी, समझा के ललन बैठ जाइए, तनक बैठ जाइए, ललन बैठ जाइए, तनक बैठ जाइए। श्री भरत को बुला के कौशल्या मुस्कुरा के कहने लगी, समझा के ललन बैठ जाइए, तनक बैठ जाइए, भरत बैठ जाइए, तनक बैठ जाइए। कौशल्या भरत जी से कह रही है, बेटा ये रास्ता बहुत कठिन है, मेरा कहा मानो, रथ में आकर बैठ जाओ। क्या हुआ? पंत है पतरीला पैदल न चलो तुम, पंत है पतरीला पैदल न चलो तुम, तुम्हारी ये दशा नहीं देख सके हम। मानो ये कहना हमारा है, कोमल ये तन मन तुम्हारा है। मानो ये कहना हमारा है, कोमल ये तन मन तुम्हारा है, सब लोगों को बुला के, सब लोगों को बुला के अच्छी तरह समझा के बोली है मुस्कुरा के, भरत बैठ जाइए, तनक बैठ जाइए, भरत बैठ जाइए, तनक बैठ जाइए। मैया कौशल्या भरत जी से कहती है, बेटा अगर तुम पैदल जाओगे
तो ये पुरवासी भी तुम्हारे साथ पैदल चलेंगे और वन का रास्ता बहुत कठिन है, इनको कष्ट होगा। कहती है क्या बेटा, अगर पैदल ही वन को जाएंगे बेटा, अगर पैदल ही वन को जाएंगे तेरे साथ पुरवासी कष्ट पाएंगे। मैया की सुन करके वाणी है आज्ञा भरत जी ने मानी है। मैया की सुन करके वाणी है आज्ञा भरत जी ने मानी है। मैया को सर झुका के, मैया को सर झुका के श्री राम को मना के बोले हैं मुस्कुरा के, सभी बैठ जाइए तनक बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए तनक बैठ जाइए। बंधु, माँ कौशल्या की आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाई रथ में जाकर बैठ जाते हैं और सभी पुरवासी भी अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर वन के लिए चलते हैं। सबके साथ बैठ चले रथ पे दोनों वीर, सबके साथ बैठ चले रथ पे दोनों वीर। पहले दिन पहुंचे वो तमसा के तीर, किनारे पे डेरा जो डारे हैं रघुवर के बोले जयकारे हैं। किनारे पे डेरा जो डारे हैं रघुवर के बोले जयकारे हैं। तब सब के पास आके, तब सब के पास आके श्री भरत मुस्कुरा के कहने लगे समझा के, सभी बैठ जाइए तनक बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए तनक बैठ जाइए। श्री भरत को बुला के कौशल्या मुस्कुरा के कहने लगी समझा के, ललन बैठ जाइए तनक बैठ जाइए, भरत बैठ जाइए तनक बैठ जाइए। मेरे भक्त प्रेमियों, तमसा नदी के किनारे भरत जी ने सभी पुरवासियों के साथ विश्राम किया। उधर वन में भीलों के राजा निषाद राज ने देखा कि भरत जी सेना को लेकर आ रहे हैं, जरूर ये भगवान राम से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने सभी भीलों को बुलाया और कहने लगे कि हम भरत जी को जाने नहीं देंगे, जावन नहीं देंगे और जावन नहीं देंगे, रघुवर हेत लड़ाई लेंगे। जावन नहीं देंगे रघुवर हेत लड़ाई लेंगे। और रघुवर हेत लड़ाई लेंगे, रघुबर ये तो लड़ाई लेंगे। जावन नहीं देंगे वो नहीं देंगे, रघुबर ये तो लड़ाई लेंगे। जावन नहीं देंगे
भीलों के राजा ने सभी भीलों को बुलाया और कहने लगे, क्या भीलन से यो बचन उचारे, अरे भीलन से यो बचन उचारे, सबने धनुष बाण कर धारे, सबने धनुष बाण कर धारे, अरे प्राण हम तज देंगे। भील कहने लगे कि हम भगवान से पहले अपने प्राण त्याग देंगे जब भरत को राम से युद्ध करने देंगे। अरे प्राण हम तज देंगे, रघुबर हे तलड़ाई लेंगे, जावन नहीं देंगे, रघुबर हे तलड़ाई लेंगे। क्या हुआ, पहले हम संग्राम करेंगे, अरे पहले हम संग्राम करेंगे, लोहा भरत लाल से लेंगे, अरे नहीं करण देंगे, आहा नहीं करण देंगे, रघुबर हे तलड़ाई लेंगे, जावन नहीं देंगे, रघुबर हे तलड़ाई लेंगे। अरे सेना सज गई बिकट घनेरी, ओ सेना सज गई बिकट घनेरी, इनको लगी तनक ना देरी, अरे इनको लगी तनक ना देरी, अरे अवध लौटाए देंगे। सभी भील कहने लगे भरत जी को वापस अयोध्या पहुंचा देंगे मगर आगे नहीं जाने देंगे। अरे अवध लौटाए देंगे, रघुबर हे तलड़ाई लेंगे, जावन नहीं देंगे, रघुबर हे तलड़ाई लेंगे। क्या हुआ, जब चलने को तैयार हुए तो अचानक चीख हो गई और क्या हुआ, है गई तो नो चीख अगारी, अरे है गई तो नो चीख अगारी, बोलो वृद्ध बचन उचारी, अरे बोलो वृद्ध बचन उचारी, अरे सगुन हम सो देंगे। एक वृद्ध कहने लगा कि मुझे सगुन देखने दो, ठहरो अभी कोई आगे मत बढ़ो। अरे सगुन हम सो देंगे, रघुबर हे तलड़ाई लेंगे, जावन नहीं देंगे, रघुबर हे तलड़ाई लेंगे। बंदो, एक वृद्ध भील ने कहा, ठहरो पहले हमें देखने दो कि भरत जी किस मकसद से आ रहे हैं। वह वृद्ध उनके पास पहुंचा और मुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनिराज ने बताया कि भरत जी भगवान राम से मिलने को जा रहे हैं। जब ये मिलने की बात सुनी तब क्या हुआ, ओ जब पाई है खबर मुनिवर से, जब पाई है खबर मुनिवर से, मिलन आए रघुबर से, मिलन आए रघुबर से, मन हर से, जब पाई है खबर मुनिवर से,
जब पाई ये खबर मुनिवर से मिलन आए रघुवर से, मिलन आए रघुवर से मनहर से। लख भरत लाल उठि धाए, लख भरत लाल उठि धाए, ओ लख भरत लाल उठि धाए, गल भील राज लिपटाए, कि नब से सुमन बर से, कि नब से सुमन बर से मनहर से। जब पाइए खबर मुनिवर से, जब पाइए खबर मुनिवर से, मिलन आए रघुवर से, मिलन आए रघुवर से मनहर से। बंधु भरत जी को ये पता चला तो भरत जी शत्रुघ्न दोनों ही निषाद से ऐसे मिले मानो छोटे भैया लक्ष्मण से मिल रहे हो। अब आई भीलन की टोली, जब आई भीलन की टोली, ओ जब आई भीलन की टोली, सब बोले प्रेम की बोली, वो सेवा कर निज कर से, वो सेवा कर निज कर से रघुबर से। जब पाई ये खबर मुनिवर से, जब पाई ये खबर मुनिवर से, मिलन आए रघुबर से, मिलन आए रघुबर से मनहर से। आसन डारी, तब सुंदर आसन डारी, ओ तब सुंदर आसन डारी, सब मात सकल बैठारी, दरस को जिया तर से, दरस को जिया तर से रघुवर से। जब पाई खबर मुनिवर से, जब पाई ये खबर मुनिवर से, मिलन आए रघुबर से, मिलन आए रघुबर से मनहर से। दोस्तों भीलों के राजा निषाद राज से भरत से ऐसे मिले मानो छोटे भाई लक्ष्मण से मिले हों। निषाद राज ने सभी माताओं को सुंदर आसन लगवाई और पुरवासियों को भली भांति ठहराया। भरत जी निषाद राज से कहने लगे हैं, क्या और बाबा ये सुन लो मेरी पुकार, विनती करूं मैं तो बार बार, मुझको मिला देना मेरे भैया से, मुझको मिला देना मेरे भैया से। बाबा ये सुन लो मेरी पुकार, विनती करूं मैं तो बार बार, मुझको मिला देना मेरे भैया से, दरस करा देना मेरे भैया के। बंदो भरत जी कहने लगे, बाबा मेरे भाई किस हाल में थे, कहां पर सोए? कहते हैं
कैसे थे वो तीनों प्राणी, हाल उनका मुझे तुम सुना दो। कैसे थे वो तीनों प्राणी, हाल उनका मुझे तुम सुना दो। कैसे कहां पर वो सोए, वो जगह भी मुझे तुम दिखा दो। पीर हरो न देर करो, पीर हरो न देर करो, हाल सुना देना मेरे भैया से, मुझको मिला देना मेरे भैया से। और कहने लगे, बाबा मेरी माँ सीता कैसी थी? और कहते हैं, पलकों की छांव में पली थी मेरी माँ सीता, प्राणों से प्यारी। पलकों की छांव में पली थी मेरी माँ सीता, प्राणों से प्यारी। बन के है संकट घनेरे, सती होगी वो कैसे बेचारी। बन के है संकट घनेरे, सती होगी वो कैसे बेचारी। जिया तर से नैना बर से, जिया तर से नैना बर से, धीर बंधा देना मेरे भैया से, मुझको मिला देना मेरे भैया से। बंधु, भरत जी का रुदन देखकर, भरत जी को दुखी देख करके निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? बहने लगा सुन के बानी, भील राजा की आंखों से पानी। लगा सुन के बानी, भील राजा की आंखों से पानी। और लेकर चले हैं भरत को, जहां सोए थे वो तीनों प्राणी। साथ चले वृक्ष तले, साथ चले वृक्ष तले, रोने लगे नैना मेरे भैया से, मुझको मिला देना मेरे भैया से। ओ बाबा ये सुन लो मेरी पुकार, विनती करूं मैं तो बार बार, दरस करा देना मेरे भैया के, मुझको मिला देना मेरे भैया से। बंधु, निषाद राज के साथ भरत वहां पहुंचे जहां वृक्षों के नीचे भगवान ने विश्राम किया था, कुछ आसन लगा था। भरत जी ने उस जगह को प्रणाम किया और उस जगह की धूल लेकर मस्तक पर लगाई और रोने लगे।
तब निषाद कहने लगे और लखे भरत हैरान, मन मलिन ना तुम करो सुनो भरत धर ध्यान। इधर तो भक्त निषाद भरत को धीर बंधाकर अपने साथियों को लेकर भरत जी के साथ भगवान से मिलने को चल देते हैं। उधर चित्रकूट आश्रम पर सीता जी को सपना होता है कैसे, और सपने में जनक दुलारी को, सपने में जनक दुलारी को अति भीड़ नजर में आई है, सपने में जनक दुलारी को अति भीड़ नजर में आई है। अति भीड़ नजर में आई है, 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 सपने में जनक दुलारी को अति भीड़ नजर में आई है। सीता जी क्या सपना देख रही है सपने में, चतुरंगी सेन सजा करके पुरवासी मन हर्षाते हैं, चतुरंगी सेन सजा करके पुरवासी मन हर्षाते हैं, सेना की लेकर बाग डोर श्री भरत लाल जी आते हैं, श्री राम की प्राणन प्यारी को अति भीड़ नजर में आई है, सपने में जनक दुलारी को अति भीड़ नजर में आई है। बंधु सपने में देख रही है कि भरत जी सेना को सजा कर अयोध्या से आ रहे हैं। प्रातः काल के होते ही सीता ने बात सुनाई है, और प्रातः काल के होते ही सीता ने बात सुनाई है, सपने का सारा हाल पिया अपने को रही बताई है, पुरुषोत्तम अपरंपारी को अति भीड़ नजर में आई है, सपने में जनक दुलारी को अति भीड़ नजर में आई है। बंधु सुबेरा होते ही जानकी जी भगवान को सपने की बात सुना रही है। सपने की बात सुन करके भगवान ने कुछ देर बाद क्या देखा, कुछ देर बाद प्रभु ने देखा उड़ दूर गगन में छाई है,
कुछ देर बाद प्रभु ने देखा उड़ दूर गगन में जाई है, साकार हुआ सपना अपना सीता को रहे सुनाई है। मन सोच भयो बहारी को अति भीड़ नजर में आई है, सपने में जनक दुलारी को अति भीड़ नजर में आई है। बंधु जब भरत जी सेना को लेकर आ रहे हैं तो मन के जीव जंतु व्याकुल होकर के भगवान के पास पहुंचे। व्याकुल हो बन के जीव जंतु भयभीत नजर में आते हैं। ये दशा देख कर रघुराई मन ही मन में दुख पाते हैं। मन क्रोध भयो धनधारी को अति भीड़ नजर में आई है, सपने में जनक दुलारी को अति भीड़ नजर में आई है। बंधु जब लक्ष्मण जी को ये पता चला कि भरत सेना को लेकर आ रहे हैं तब क्या किया? सिर जटा जूट कस लक्ष्मण ने, सिर जटा जूट कस लक्ष्मण ने, धर तीर सैल लिए लटका कर, फिर उठा धनुष को टंकारा और बाण चढ़ाया झट ऊपर। सेवक को सेवा करने का, सेवक को सेवा करने का है आज खूब मौका पाया। दो आज्ञा अब रघुवीर मुझे दिल मेरा है अति दुख पाया। रघुनाथ निरादर करने का, रघुनाथ निरादर करने का दोनों को मजा चखा दूंगा। दूरर चंडी की भेंट चढ़ा और अग्नि बीच जला दूंगा। धनुष पर तीर चढ़ाकर भगवान राम से आज्ञा मांगते हैं लक्ष्मण जी। और कैसे के कर में धरे धनुष और बाण, कर में धरे धनुष और बाण सुमित्रा मैया के जाए। कर में धरे धनुष और बाण सुमित्रा मैया के जाए। और मैया के जाए सुमित्रा मैया के जाए, मैया के जाए सुमित्रा मैया के जाए। कर में धरे धनुष और बाण सुमित्रा मैया के जाए। बंधु धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी किस तरह तैयार हुए? कारी क्रोध जोश में छायो मन सोता सिंह जगायो। कारी क्रोध जोश में छायो मन सोता सिंह जगायो। उस दम कपे जमी आसमान सुमित्रा मैया के जाए। कर में धरे धनुष और बाण सुमित्रा मैया के जाए। सिर जटा बांध लक्ष्मण ने धनवा पर बाण चढ़ाया। सिर जटा बांध लक्ष्मण ने धनवा पर बाण चढ़ाया। हे नाथ मुझे दो आज्ञा सेवा का मौका आया। हे
एक टक देख रहे भगवान सुमित्रा मैया के जाए कर में दरे धनुष और बाण सुमित्रा मैया के जाए। बंधु लक्ष्मण जी भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं तो भगवान एक टक होकर लक्ष्मण की ओर देखते हैं और कह रहे हैं ना लक्ष्मण ना। रघुनाथ निरादर का मैं अब उनको मजा चखाऊं है नशा राज का उनको पल भर में उसे मिटाऊं है नशा पूरे करूं आज अरमान सुमित्रा मैया के जाए कर में दरे धनुष और बाण सुमित्रा मैया के जाए। बंधु लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु मुझे आज्ञा दो भरत को राज्य का नशा हो गया है वो राज्य के मद में चूर है इसलिए सेना को लेकर लड़ने आया है आज मैं उसके अरमान पूरे कर दूंगा आने दो नहीं। तो भगवान कहते हैं ना भैया ना। तब हाथ फेर कर बोले यो लक्ष्मण से रघुराई तब मोए और जगत में दूजा नहीं मिले भरत सो भाई मोए और जगत में दूजा मेरा भैया भरत महान सुमित्रा मैया के जाए कर में दरे धनुष और बाण सुमित्रा मैया के जाए। मेरे बंधु भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को पुचकारते हुए बोले लक्ष्मण तू नहीं जानता मेरे भरत जैसा दुनिया में कोई भाई नहीं है वो महान है मुझसे लड़ने नहीं मिलने आ रहा है। उसी क्षण भरत शत्रुघ्न भगवान के सामने आए और उनके चरणों में आकर गिर पड़े। भगवान राम ने भाई भरत को उठाकर कलेजे से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ अरे दो मिले बिरन हरसाए अरे दो मिले बिरन हरसाए देवन में जय जय धुन छाई दो मिले बिरन हरसाए देवन में जय जय धुन छाई। बंधु जिस वक्त भरत और राम का मिलन हुआ चित्रकूट आश्रम पर तो देवता फूल बरसाने लगे जय जयकार होने लगी देवताओं में। अरे प्रेमा सुन की बह रही धारा अरे प्रेमा सुन की बह रही धारा ना कोई और भरत सा प्यारा अरे प्रभु धीरज रहे बंदाए देवन में जय जय धुन चाई दो मिले बिरन हरसाए देवन में जय जय धुन चाई। अरे लखन मिले लघु भ्राता से और लखन मिले लघु भ्राता से
शत्रुघ्न सीता माता से दियो चरणन शीश नवाए नवाए देवन में जय जय धुन छाई दो मिले बिरन हर साए देवन में जय जय धुन छाई और क्या हुआ श्री राम मिले पुरवासिन से श्री राम मिले पुरवासिन से सब ऋषि मुनि और मातन से सब ऋषि मुनि और मातन से रहे देवा फूल बरसाए देवन में जय जय धुन छाई दो मिले बिरन हर साए देवन में जय जय धुन छाई बंदो भरत जी कहने लगे भगवान से अरे बोले भरत सुन लो रघुराई अरे बोले भरत सुन लो रघुराई चरण खणामी दीजो गहाई अरे चरण खणाऊ दीजे गहाई अरे करु सेवा बिरन चितलाए देवन में जय जय धुन छाई दो मिले बिरन हर साए देवन में जय जय धुन छाई भरत जी कहने लगे प्रभु मैं तो आपकी चरण खड़ामियों की सेवा करूंगा मुझे तो ये खड़ामू दे दो क्या हुआ अरे राम सिंह यादव गुण गावे अरे राम सिंह यादव गुण गावे तिर मूरत में गाए सुनावे और पुरुषोत्तम गुरुदेव मनावे पुरुषोत्तम गुरुदेव मनावे अरे रहे बाल किशन मुस्काए देवन में जय जय धुन छाई दो मिले बिरन हर साए देवन में जय जय धुन छाई दो दो मिले बिरन हर साए देवन में जय जय धुन छाई दो मिले बिरन हर साए देवन में जय जय धुन छाई दो